क्योंकि जिस तरीके दे नाल इहदा जिहड़ा हैगा दादा जिहड़ा कातल रहा वो नक्शे कदमां ते चल के उन्हें एक उत्थे 150-200 गुंडे अपनी कोठी दे विच बुलाउंदा जरनैल सिंह SHO उन्हूं भी नाल शामिल करके सिर्फ 5 जणिआं नूं अंदर बुलाया जांदा और जदों 5 जणे पहुँचदे आ ते उत्थे बड़ी बुरी तरीके दे नाल कुटमार कीती जांदी आ। उह सारे बंदिआं दे हत्थां दे विच पिस्तौल भी उन्हां दे पाए हुंदे आ। तुसीं देखोगे कुट पै रही सी, दस्तारां उतर रहीआं सी, पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बन के जिहड़ा उत्थे SHO बिल्कुल बड़ी शांति दे नाल खड़ा सी। प्रिंसी दे विच नाल नाल रवनीत बिट्टू दे उत्ते परचा दर्ज ना कीता और नाल नाल जिहड़ा हैगा जरनैल सिंह इस नूं नौकरी तों बरखास्त ना कीता। दा लोक इंसाफ पार्टी एक वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ा हैगा CP दफ्तर दे अगे संघर्ष करेगी। अज जिहड़े कांग्रेस के जिहड़े MP ने रमणीत बिट्टू उन्हां दी कोठी दे बाहर जिहड़े सनी कैंथ ने जिहड़े लोक इंसाफ पार्टी के बुलारे भी ने ते हलका गिल दे जिहड़े इंचार्ज भी ने उन्हां दी जिहड़ी रमणीत बिट्टू के जिहड़े गुंडिआं दे वल्लों जिहड़ी उन्हां नाल बेरहमी नाल कुटमार की गई है। पूरा मामला है की आ, इस मामले विच अपने मनविंदर सिंह गैसपुरा जुड़े ने, उन्हां नाल गल करदे आ। मनविंदर गैसपुरा जी, की पूरा मामला की है? देखो जी, साढ़े पंजाब दे विच जिवें कि करोना नां दी महामारी फैली आ, बड़े दुख ते अफसोस की गल आ कि लुधियाना उस बीमारी दे विच पहले नंबर ते आ रहा। और लुधियाना करोना की बीमारी करके तुसी पिछले दिन ही देखा होना कि DMC हॉस्पिटल दे विच मरीजा ने इस करके बाहरों दम तोड़ दिता कि अंदर हॉस्पिटल दे विच उन्ना प्रबंध नहीं सी कि उन्हां नूं रख्या जांदा। और तुसी देखो कि लुधियाने का एक हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, एको एक हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल दे विच वेंटीलेटर ना होना एक शर्मनाक गल आ, क्योंकि वेंटीलेटर करोना दे विच सिर्फ कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसन नहीं, सारे जानते हैं कि सिर्फ तो सिर्फ जिंदगी बचाने के लिए वेंटीलेटर होना जरूरी है। जदों इतने करोना का पेशेंट आता उन्हें साह की तकलीफ होंगी तो उन्हें लेके जाते हैं फटाफट रजिंद्रा हॉस्पिटल, तो रास्ते दे विच कई बार जो मरीज़ आ बेचारा दम भी तोड़ जाता। इसलिए साड़ी हलका गिल दे सनी कैंथ जी उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना आप जिहड़े हैगे आ लोग उन्हां लोकां तो एक सिंबालिक तौर पर चंदा जिहड़ा हैगा वो इकट्ठा करके वो साढ़े इत्थों दे MP रवनीत बिट्टू जी नूं जाके दईए कि वो अपने अख्तियारी कोटे दे विचों, क्योंकि उन्होंने कन्न खुल्लण, लोकां दी आवाज़ उन्हां तक पहुँचे कि वो अपने अख्तियारी कोटे दे विचों एक जिहड़ा हैगा वेंटीलेटर इस सिविल हॉस्पिटल नूं देण। इहदे लई अज दुपहर दे विच साढ़े वलंटियरां ने बड़ी वड्डी गिणती दे विच आ के इत्थे भारत नगर चौंक दे विच चंदा इकट्ठा किया। और तुसी देखो कि लोगों ने आप मुहारे चंदे दे विच अपना हिस्सा पाया, क्योंकि लोगों नूं भी इस गल दी अवेयरनैस है कि लुधियाने दे इस सिविल हॉस्पिटल दे विच वेंटीलेटर नहीं है और वेंटीलेटर की कमी के कारण जिहड़े करोना के मरीज़ ने वो बेचारे पटियाले जाते जाते दम तोड़ रहे हैं और ये लोग बेचारे अवेयर ने, इसलिए उन्होंने साथ दिता। और उस तो बाद जदों इतों चंदा इकट्ठा हो गया तो चंदा ये जिहड़ा सीगा रवनीत बिट्टू जी की कोठी जाके दे के आना सी। और तुसी देखो कि 8 नंबर दे जिहड़े हैगे आ इंचार्ज जरनैल सिंह, जरनैल सिंह नाल गल हुंदी आ फोन ते, 2-3 वार गल हुई आ और रिकॉर्डड आ गल जिहड़ी हैगी आ। और उन्होंने कहा कि तुसी 5-6 जाने जिहड़े हैगे आ वो आ जाओ और तुसी जिहड़ा हैगा अपने जिहड़े साडे MP ने रवनीत बिट्टू उन्हां नूं मंग पत्र दे दो। जदों साडे उत्थे 5 जाने जिहड़े हैगे आ रवनीत बिट्टू की कोठी जांदे आ तां अंदर रवनीत बिट्टू ने एक सोची समझी साजिश दे तहत, क्योंकि जिस तरीके दे नाल इहदा जिहड़ा हैगा दादा जिहड़ा कातल रहा वो नक्शे कदमों पर चल के उन्हें एक उत्थे 150-200 गुंडे अपनी कोठी दे विच बुलाउंदा, एक साजिश रच के और उस साजिश दे विच उस कॉन्सीपरेंसी दे विच मैं समझदा कि नाल करनैल सिंह नूं जिहड़ा SHO आ उन्हों भी जरनैल सिंह SHO उन्हों भी नाल शामिल करके सिर्फ 5 जणिआं नूं अंदर बुलाया जांदा और जदों 5 जणे पहुँचदे आ ते उत्थे बड़ी बुरी तरीके दे नाल कुटमार कीती जांदी आ। उह सारे बंदिआं दे हत्थां दे विच पिस्तौल भी उन्हां दे पाए हुंदे आ, पर मैं समझदा कि उस गुरु महाराज का शुक्र है कि वह जिहड़ा हैगा साडा जिहड़ा शेर योद्धा जिहड़ा सनी कैंथ आ उहदी जान का बचा हो गया और उन्होंने उन्हां दी बुरी तरह कुटमार कीती, उहदी दस्तार उतार दित्ती। और इहदे लई असीं अज पहलां प्रोटेस्ट जिहड़ा है सीगा कमिश्नर दफ्तर किया, तो उस तो बाद जदों साडी गल हुई उच्च अधिकारियों के नाल उन्होंने कहा कि असीं तुसीं 5 नंबर थाने दे विच, क्योंकि जिहड़ी हैगी आ लड़ाई हुई आ वह उस घेरे दे विच आउंदी आ, तो उन्होंने उत्थे बयान दर्ज होए ने ते उन्होंने परचा दर्ज करन दा भरोसा दवाया और जरनैल सिंह दे उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की गल की आ। और असीं अज प्रशासन तो मंग करदे आ कि जरनैल सिंह दे उत्ते कार्रवाई करके उस बंदे नूं घर बिठाया जाए, क्योंकि वह ड्यूटी करन दे काबल नहीं।
जिहड़ा कि एक उन्हां गुंडियां दे नाल उस कॉन्सपरेंसी दे विच जिहड़ा शामिल आ कि इन्हां बंदियां नूं जिहड़े हैगे आ क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राइट आ विरोधियां पार्टियां दा कि अपना संघर्ष करना लोगों के मुद्दे उठाने लोग आवाज़ बनना डेमोक्रेटिक राइट आ उस राइट का अज मैं समझदा घाण किया गया एक डेमोक्रेसी का अज कतल जिहड़ा हैगा लुधियाने दे विच शरेआम पूरे मीडिया ने देखिया मीडिया ने कवर भी किया उस गल नूं तुसीं देखो कि कुट पै रही सी दस्तारां उतर रही सी पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बन के जिहड़ा उत्थे SHO बिल्कुल बड़ी शांति दे नाल खड़ा सी उहने किसे नूं हटाउण दी कोशिश नहीं की। अगर असीं एक बार फिर कमिश्नर साहब नूं चेतावनी दिंदे आ कि अगर उन्होंने उत्ते परचा दर्ज ना किया 295 धार्मिक भावनावां भड़काउण दा हथकरण दा अगर परचा दर्ज ना किया अगर कॉन्सपरेंसी दे विच नाल नाल रवनीत बिट्टू दे उत्ते परचा दर्ज ना किया और नाल नाल जिहड़ा हैगा जरनैल सिंह इस नूं नौकरी तों बरखास्त ना किया दा लोक इंसाफ पार्टी एक वड्डे पद्धर दे उत्ते जिहड़ा हैगा CP दफ्तर दे अगे संघर्ष करेगी क्योंकि साडी पार्टी संघर्षां दे नां नाल जानी जांदी आ और असीं लोक हितां दे लई जिहड़ा हैगा इह संघर्ष करदे रहांगे और इह तां साडे अपने जिहड़ा हैगा अज लोकतंत्र दा घाण करके साडे नौजवान नूं बड़ी बुरी तरीके दे नाल ककारां दी इक साडे नौजवान जिहड़ा हैंडीकैप्ट आ लत्त तों उस दी वी कुटमार की गई जी हैंडीकैप्ट बंदे दी इहदा असीं संघर्ष जिहड़ा हैगा करांगे। ये सन मनविंदर सिंह गैसपुरा जी ने जिन्हों के वालों कहा जा रहा है कि जेडे SHO ने जोड़े उत्थे जो पुलिस मुलाजम जोड़े मौके पर मौजूद सन तो जेडे उत्थे रणवनीत बिट्टू ने जिन्हों की देखरेख के जोड़े सारी घटना वटियां उन्होंने जोड़ा परचा बनता करना चाहिए अगर जो प्रशासन के वालों उन्होंने बनती कार्रवाई ना की गई तो जो प्रोटेस्टा लोक इंसाफ पार्टी के मोगे किया जाएगा। कैमरामैन पंकज के नाल रवि गर्ग की रिपोर्ट पहरेदार TV लुधियाना।